अब जितने भी ग्रेडियंट्स होते हैं उनके अंदर से गोल्डन शेड बनाने के लिए आपको ये करना होगा, जैसे ये गोल्डन ग्रेडियंट्स दे दिए उन्होंने, अब ये इलस्ट्रेटर में अगर जैसे मिसाल के तौर पे हम ये करें कि यहाँ पे क्लिक करें और इसको यहाँ से सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करके अभी इसमें कोई कलर नहीं है ड्रॉप फिल लेके हम इस पर क्लिक करते हैं, तो ये ग्रेडियंट इसको नहीं दे रहा, मतलब भाई जैसे इसका कलर दे रहा है पर ग्रेडियंट नहीं दे रहा। तो इस तरह का ग्रेडियंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे तीन चार मैंने ले लिया, अब जो बनाना चाहो बना लो, उसके लिए आपको ये करना है कि इस तरह से चार शेप ले लें, पांच शेप ले लें, जितने कलर्स यूज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मुझे ये वाला गोल्डन कलर बनाना है, या ये वाला गोल्डन कलर बनाना है, ये वाला गोल्डन शेड बनाना है, डिफरेंट गोल्डन शेड्स है ना, मतलब वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, आप दो तीन बना के रख लें। तो अब देखें कि जैसे तो आपने क्या करना है भाई, जैसे इसका बनाना है, अब इस पर जितने भी कलर यूज हुए हैं ऐसे चार शेप्स ले लें, और एक एक शेप के ऊपर जो कलर का कोड है वो इस पर ले लें। अब कलर कोड कैसे निकालेंगे आप देखें, आसान है। मैं आपको इस वाले गोल्डन कलर का, ये भी गोल्डन है, ये भी गोल्डन है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, इस वाले गोल्डन कलर के कलर्स निकाल के बताता हूँ एक दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये चारों शेड्स लिए, चारों बॉक्सेस को जो है वो थोड़ी जगह कर लेते हैं, इधर कर दिया, और ये जो दो हैं इनको फिल वक्त यहाँ कर दिया, और ये जो दो हैं इनको क्लिक करके मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब हम इसका गोल्डन शेड बनाएंगे कैसे, जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे और इस पर क्लिक करके ये लिया हमने आई ड्रॉपर, यहाँ से इसका कलर ले लिया, यहाँ पे इस पर कलर आ गया इसका, ठीक है। अब ये कलर क्या आया है, इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे इसका कलर कोड आ गया, कॉपी कर लें इसको कंट्रोल सी से, टेक्स्ट टूल ले लें, यहाँ क्लिक कर लें और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लें, साइज अगर ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो इसको कम करके थोड़ा कम कर दें, ठीक है। ये इसका कलर कोड आ गया, ये इस कलर का कोड हो गया। अब इस पर क्लिक करें, यहाँ से क्लिक करके इसके बराबर में कौन सा कलर है, फिर ये वाला कलर है, ठीक है, ये ले लिया आपने, फिर इस कलर पर डबल क्लिक किया और यहाँ से इसका कलर कोड ले लिया आपने, कॉपी कर लें यहाँ पे, क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें दोबारा से और पेस्ट कर दें, कलर कोड आ गया इसके ऊपर, ये उठा के यहाँ पे रख लें, सही है। फिर इस पर क्लिक करें, फिर यहाँ से ड्रॉपर लें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, ये एक और कलर, अब ये वाला कलर और ये सेम है नहीं, थोड़ा सा फर्क है, तो ये कलर आ गया शेड इसके साथ, क्योंकि आपने ये वाला शेड लिया ना, यहाँ थोड़ा जूम करके ले लें, ये वाला शेड लिया एक, तो इसमें फ़र्क है। तो ये शेड लेने के बाद हमने इसको इस पर रख लिया और इसका कलर कोड भी हमने यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ पे कॉपी करके ले लिया और इसको यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये कलर शेड निकल आया। अब इस वाले पर कलर कौन सा शेड चाहिए हमें, ये वाला चाहिए, तो यहाँ से क्लिक करके थोड़ा जूम करें, ये वाला शेड ले लिया हमने यहाँ से, ये आ गया इसके ऊपर, और यहाँ से इसका कलर कोड हमने डबल क्लिक करके ऐसे थोड़ा सा ले लिया, कॉपी कर लिया और इस पर क्लिक करके यहाँ पर हमने इसको क्लिक करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक करके हमने यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। अच्छा, अब आए इसको दोनों को सिलेक्ट किया, अल्टर के साथ शिफ्ट किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब आखिरी कलर है जो ये लेना है हमें, क्लिक किया यहाँ पे, इसका ड्रॉपर लिया और ये इसका ये वाला कलर ले लिया, ये जो लाइट ब्राइट कलर है, ठीक है, ये इसके साथ आ गया हमारे पास। और इसका कलर कोड क्या है, यहाँ से डबल क्लिक किया, ये कॉपी किया हमने, कलर कोड लेके इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सारे कलर कोड्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अब ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे, देखिए ग्रेडियंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आप यहाँ पे ग्रेडियंट पर आ जाएं और यहाँ पर आके पहले कोई कलरफुल ग्रेडियंट ले लें, जैसे कि हमने यहाँ से एक कलरफुल ग्रेडियंट ले लिया स्काई। अब ये स्काई के अंदर कितने स्टॉप्स हैं और उसमें कितने स्टॉप्स हैं, एक दो तीन चार पाँच स्टॉप्स चाहिए, तो एक दो तो हैं इसके अंदर, तो तीन और ये चार और एक और क्लिक करके मैं ले लेता हूँ पाँच, ये पाँच स्टॉप्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब पहले स्टॉप पर क्लिक करें, यहाँ पर डबल क्लिक करें, ये आया, इस पर कलर कोड है, इधर डबल क्लिक करें, कलर कोड यहाँ से पहले कॉपी कर लें, फिर इस पर क्लिक करें, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट करें, एंटर दबा दें, ये कलर कोड इस पर आ गया। फिर दूसरा कलर कोड यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी लें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर इस पर डबल क्लिक करें, फिर यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट करें, फिर एंटर करें, इधर आ गया। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करें, कंट्रोल सी के कॉपी करें, फिर यहाँ क्लिक करें, फिर डबल क्लिक करें, फिर यहाँ पे पेस्ट करें, एंटर करें, इधर आ गया। फिर यहाँ से डबल क्लिक करें, कॉपी करें, फिर यहाँ पर आइए, क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे पेस्ट करें, तो एंटर करें, इस पे आ गया। फिर यहाँ से डबल क्लिक करें, कॉपी करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करें, एंटर करें, तो ये इसके ऊपर शेड्स आ गए इसके ऊपर, ठीक है, ये हमारा शेड बन गया। अब यूजुअली अगर आप देखें तो ये शेड कैसा बना हुआ है भाई, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये शेड जब बन गया,
अब इस शेड का करना क्या है कि आप इस शेड के शेप्स बनाइए, मतलब आपने एक शेप ये बनाया, ठीक है, उस पर भी अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली, फिर आपने एक शेड ये बनाया उस पर भी अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली, फिर आपने एक और शेड बनाया, अब कितने शेड बनाने वो आप बना लें। अब हम देख रहे हैं कि एक ये वाला शेड तो सही है, अच्छा ये वाला शेड भी सही है, ऐसा शेड नहीं बन रहा, ऐसा शेड नहीं बन रहा, देख रहे हैं हम, ऐसा शेड नहीं बन रहा है। अच्छा भाई ऐसा नहीं बन रहा है तो अब क्या करें, इसको समझें, ये एक साइंस है। अब पहले क्या करें, इस वाले शेड पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें और न्यू करें, तो इसका नाम रखा आपने गोल्ड, गोल्ड थ्री के नाम से हमने इसका नाम रख लिया, ठीक है, ओके कर दें, ये एक शेड यहाँ ऐड हो गया। एक इस पर क्लिक करें, अच्छा इस पर क्लिक करके क्या करें, इसी का इसका रेडियल फॉर्म ले लें, ये रेडियल फॉर्म ले लिया, ठीक है, इसका रेडियल फॉर्म आ गया, और इसी का आपने क्या किया, एक और क्लिक करके यहाँ से न्यू किया, न्यू स्वेच और गोल्ड फोर के नाम से ले लिया आपने, वो भी ऐड हो गया यहाँ पे, यहाँ ऐड होते जा रहे हैं सारे के सारे। अगर मैं लार्ज आइकन करूँ तो आपको नजर आ जाए शायद, ये देखें यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है। फिर क्या करें, अब ये वाला जो हमें बता रहा था आपको वो कैसे होगा, देखिए यहाँ क्लिक करें, ये इसी का ऑल्टर ले लें इसके इस साइड पे, इसी का ऑल्टर ले लें इसके इस साइड पे, इसी का ऑल्टर ले लें इस साइड पे, ऑल्टर मतलब डुप्लीकेट कॉपी ले रहा हूँ, और इसी का ऑल्टर करके ले लें इस साइड पे, ये देखें ऐसे हो गया। अब ये इसमें जो सेंटर पॉइंट है वो कौन सा वाला शेड था, सेंटर में ये वाला शेड था, ठीक है, इसको यहाँ पे क्लिक करके बिल्कुल सेंटर करने के लिए इसकी लोकेशन को 50 पे कर दें। अब जब इसकी लोकेशन 50 पे करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, तो कितने हमारे पास पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो ये 50 पर है, तो अब इनकी पोजीशन सेट करें 0 से 10 20 30 40, तो 15 2 3 45 15 4 60, तो ये हो जाएगी 13 26 43 44 60, 12 की पोजीशन पे इसको रखना है। तो अंडू करता हूँ मैं, इसकी पोजीशन को हम सेट करते हैं, ये वाली पोजीशन इसकी हमने सेट करी, क्लिक किया यहाँ पे और इसको रखा हमने कितने 14 पर है ये, इसको सेट करके कर दिया 12 पे, ठीक है, और इसके बराबर वाले पे क्लिक किया और इसको सेट कर दिया हमने कितने पे 24 पर, 24 पर, और इस पर क्लिक किया और इसको सेट कर दिया हमने 36 पर, तो और ये ऑटोमेटिकली 50 पर आ गया। अब उसके बाद चलेंगे 72 पर, ओहो नहीं नहीं 62 पर, और 62 और आएगा ये 75 और फाइनली आ जाएगा 88 पर, और लास्ट वाला तो 100 पे रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो बना, तो ये इस तरह का शेड इसके ऊपर आया, देख रहे, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब ये शेड तो इसके ऊपर आ गया, अब इसकी प्लेसमेंट करके जो भी गोल्डन कलर वगैरह आपको बनाने, जितनी दफा इसकी डुप्लीकेट करनी है बराबर में रखते जाएं, तो इस तरह के कई शेड निकल आएंगे। अब इसको भी ऐड कराना है, तो गोल्डन 5 के नाम से हमने ऐड करा दिया, गोल्डन गोल्ड 5, ठीक है। अब इसी का एक सर्किल लेते हैं यहाँ पे और इसी का एक वर्जन बनाते हैं इसका, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया इसके ऊपर, और इसका रेडियल कर देते हैं, तो यहाँ से रेडियल ले लिया आपने, ये ऐसा बनेगा, ये आपने एक नया स्विच बना दिया गोल्ड 6 के नाम से। तो इस तरह डिफरेंट आप वेरिएंट इसके बना सकते हैं और वो आपके सारे ऐड होते जा रहे हैं इसके अंदर, देख रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जब ये बना लिया आपने, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं फाइल को। अब ये गोल्डन कलर आप किसी भी शेप पर जब लगाते हैं तो कितने तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि हम उस पर लगा रहे थे अपने इस वाले शेप के ऊपर, ये जो यहाँ बने हुए हैं, तो ये मैंने देखे ये गोल्डन वो वाला बनाया जो इस पर अप्लाई किया था इसमें, और इसमें एक फर्क है, देखिए इसमें ये जो इसकी ये चीजें देख रहे हैं ये थोड़ी उभार में आ रही है जबकि ये बिल्कुल फ्लैट लगा हुआ है। अब इसको उभार कैसे दें, कैसे ये मामला सेट होंगे, कैसे ये चीजें हो सकती हैं, या इसको हम इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी, इसको देख लेते हैं। तो अब इसके ऊपर हम ये कलर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये वाला गोल्डन मैंने इसके ऊपर लगाया, तो जैसे ही लगाया इसके ऊपर ये गोल्डन ये अप्लाई हो गया इसके ऊपर, ठीक है। अब ये गोल्डन इस तरह से अप्लाई हुआ है, अगर मैं ये वाला इसको रेडियल फॉर्म में लगाऊंगा तो ये ऐसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसका रेडियल वर्जन मैंने यूज़ कर लिया, ये वाला वर्जन यूज़ करूंगा गोल्डन का, तो जो भी यूज़ करें मेरा लगा दिया। अब ये अंदर वाले पर आए, इस पर क्लिक किया और इस पर गोल्डन का मैंने ये वाला वर्जन लगाया, लग गया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो अंदर वाले सारे जो शेप्स हैं, अब ये कैसे सेलेक्ट होंगे, ये भी एक बड़ा मसला होता है, जब आप शेप बना चुके हैं तो उसके बाद इनको सेलेक्ट करना भी बड़ा मसला हो रहा होता है। अच्छा उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, 150 है, 150 क्लिक कौन करेगा, कंट्रोल वाई दबाते हैं, ओके कंट्रोल वाई से हम ये करते हैं कि
सारे सर्किल के अंदर है। ऐसे तो आएगा नहीं है। ओके, एक और सिलेक्शन टूल है हमारे पास इस काम को करने के लिए, देखें वो काम करता है या नहीं करता। ये वाला टूल हमारे पास है और इसको हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर क्या क्या सिलेक्ट हो जाएगा इसके अंदर से, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं, इसको इसको अंदर वाले को, और इस पर भी अप्लाई करते हैं ये वाला शेप, इसके अंदर वाले शेप पे अप्लाई करते हैं ये वाला, इस पर अप्लाई करते हैं ये वाला, और इस पे ऊपर भी। तो कुछ शेड्स तो आए लेकिन वो शेड्स इतने इफेक्टिवली इस पर अप्लाई नहीं हुए। अच्छा, जब शेड्स अप्लाई कर रहे थे तो उसके ऊपर हम इसकी एंगल्स को भी सेट करते हैं। देखें इसका एंगल मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ ग्रेडियंट से, तो देखिए एंगल इस तरह से घूम के इधर आ गया, और फिर इसके अंदर वाले का जो एंगल है इसके वाले के एंगल को भी मैं सेट करता हूँ यहाँ से ग्रेडियंट से। तो इस पर ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हुआ, हुआ ये लगा के देखते हैं, ये वाला लगाते हैं, हाँ ये ठीक है। और इसके एंगल को भी हम यहाँ से इस तरह से इसके साथ ऐसे करके, जैसे शेड पड़ रहा है तो ये इस तरह से इसके ऊपर जा रहा है। अब सवाल ये था कि मैं बता रहा था कि ये जो उभार हैं ये कैसे आएंगे, है ना। देखिए जब इस पे क्लिक करा मैंने, सिलेक्ट हो गया ये, अब इसके मैंने अंदर तो क्लिक भर दिया है ये, लेकिन ये हटाता हूं तो इसके पीछे एक ब्लैक कलर का शेप और है। ओके, अब वो ब्लैक वाला शेप सिलेक्ट हो गया, सही। उस पर मैंने यही अप्लाई किया रेडियल या ग्रेडियंट, तो वो उस पर अप्लाई तो हो गया, लेकिन मुझे वो अप्लाई उसके अंदर नहीं करना, उसकी स्ट्रोक पे करना है। ये इसकी स्ट्रोक पे अप्लाई हुआ। अच्छा, जब ये स्ट्रोक पर अप्लाई होगा ग्रेडियंट, सिलेक्टेड भी है कि नहीं, ये ले सामने आ गया। तो यहाँ पर आपको तीन डॉट्स मिलेंगे, तो आप इसमें से ये वाला डॉट लें। देखें अब इम्पैक्ट देखें इसका, ठीक है, और अब ये वाला लें, ये देखिए। अब मैं सिलेक्शन हटाता हूँ तो ये डबल लाइंस का इसके ऊपर आ गया। अच्छा, इसके क्योंकि अंदर इसके अंदर ब्लैक कलर तो हमने हटा ही दिया, और एक मिनट ज़रा इसको हटाता हूँ मैं, ज़रा इस पर स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ा के देखते हैं। अच्छा, इस पर डबल स्ट्रोक है तो उसे कम करते हैं। ये सिंगल शेड, ये नॉर्मल शेड, ये डबल शेड आ रहा है इसके ऊपर। अब डबल शेड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डबल वाला हमने लगा रखा है दो साइड पर। इसका सिंगल वाला वेरिएंट हम लगाते हैं, अगर ये वाला चला गया, ये वाला, ये देखिए सिंगल साइड का शेड इसका कैसा निकल कर आया। अब इसके ऊपर हम ये वाला सर्किल जो है उठा के रख देते हैं। तो ये देखिए अब इसके ऊपर इंपैक्ट कैसा बनेगा, ये देख रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से ये भी थोड़े उभार में दिखाने हैं। आपने शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट किया, इसका भी ये स्ट्रोक लेना है, स्ट्रोक के ऊपर ग्रेडियंट लगाना है। तो कौन सा ग्रेडियंट लगाते हैं इसके ऊपर, स्ट्रोक के ऊपर? देखिए अगर हम ये वाला ग्रेडियंट लगाते हैं, स्ट्रोक पे लग गया, और इसका ये वाला वर्जन लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा लाइट हो गया इसके साथ, इसका डार्क वर्जन लेते हैं, ये वाला लेते हैं। अच्छा, ये रेडियल डबल वाला है, ठीक है, डबल वाला रेडियल है क्योंकि उसके ऊपर हमने दो दफ़ा कलर दिए थे। सिंगल वाला रेडियल ये रहा, और ये लगा के इसको इसमें थोड़े से स्ट्रोक इसका बढ़ाते हैं। और इस पे ये देखिए इस तरह की चीज़ें जब आप इस पे अप्लाई करेंगे, तो अभी इस पे ग्रेडियंट्स, पहले ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड कर देता हूँ उसको, एक्सपेंड नहीं करना था, कंट्रोल जेड, इस पे अप्लाई करते हैं, और इसका स्ट्रोक यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस वाले शेप को सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से देते हैं, ये वाला वेरिएंट इसका, इसके ऊपर ये लगा देते हैं, और ये देखें इसको यहाँ से ये आया इसके ऊपर सही इफेक्ट। और ये वाला भी सेलेक्ट करते हैं हम इसका, और इसके ऊपर भी हम यहाँ से चेंज करते हैं इसको, और यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ाते हैं।
ये देखिए, देख रहे हैं? हल्की सी चेंजेस करने पर किस तरह से ये इसके जो जो इसके स्ट्रोक्स थे वो इसके अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पाइप यूज किया गया हो उसके ऊपर कोई गोल्डन कलर का। तो इस तरह की चीजें करने से ये चीज ऐसे बनती है, और इसी टेक्निक से मैंने ये वाला जो है क्रिएट किया था। हालांकि ये पहले क्रिएटेड था, लेकिन मैंने इसको जब क्रिएट किया तो ये देखें इस तरह का इम्पैक्ट देने लगा। अब इनके ऊपर भी यही मामला है कि मैंने इनके स्ट्रोक्स पे ये कलर शेड्स दिए हुए, और जब इन शेड्स को मैं एक्सचेंज करूंगा इस वाले गोल्डन कलर के साथ, तो ये देखें इस पर यही इम्पैक्ट डालेंगे। ये देखिए इसके ऊपर डालता हूँ, ये देखिए ये वाला इम्पैक्ट, ये वाला इम्पैक्ट, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और इसी पे ये वाला शर्ट डालते हैं, और यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, ये देखिए, तो ये इस तरह के इम्पैक्ट इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से ये जो उभार हैं इसके अंदर ज्यादा बेहतर आ सकते हैं, और ये चीज बेहतर तरीके से इस पे अप्लाई हो सकती है। इसका ये वाला भी शेड है, इसके ऊपर भी करते हैं अप्लाई, और यहाँ से इसको ये देखिए कंट्रोल आर इसका ऑफ करते हैं, रूलर ऑन ऑफ। तो अब ये जो इसके ऊपर इम्पैक्ट है वो बिल्कुल इसी तरह से आएगा जैसा कि उसके ऊपर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये चीज बताना चाह रहा था आपको कि ग्रेडियंट जब आप इसके स्ट्रोक्स पे लगाएंगे और उसको ये वाले जो इसके स्ट्रोक शर्ट्स हैं ये वाला या ये वाला यूज करेंगे, तो उसके जो स्ट्रोक्स हैं वो और बेहतर तरीके से इस पे पड़ेंगे। और इस तरह के जो थोड़े से इनको हम कह रहे होते हैं उसके अंदर बीवेल एंड इम्बॉस, तो ये थोड़े से बीवेल हो जाएंगे जिससे ये जाहिर होंगे थोड़े से उभरे उभरे से, ये सारी चीजें इस तरह से बनी हुई है। तो ये चीज आप इसके ऊपर इजिली इस तरह से कर सकते हैं, और गोल्डन कलर इस तरह से आप इजिली बना सकते हैं।